लॉकडाउन के दौरान कोई भी असहाय गरीब और निराश्रित व्यक्ति भूखा ना सोने पाए, इसके लिए महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह और उनकी टीम अथक प्रयास कर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन का वितरण कर रही है। इसी के साथ महिला थाना की टीम जानवरों को भी भूख से राहत दिलाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ महिला थाना प्रभारी लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के साथ कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। गुरुवार को महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने महानगर के वार्ड नंबर 8 में सफाई कर्मियों और हरिजन बस्ती में जाकर अपने हाथों से लोगों को भोजन का पैकेट वितरण किया। उसके बाद महिला थाना प्रभारी ने कुसमी जंगलों में जाकर बंदरों को केला और फल खिलाया, जिससे जानवरों को भी भूख से राहत मिल सके। फिलहाल महिला थाना की पूरी टीम द्वारा किया जाने वाला कार्यों के लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, दो तीन केला देना, थोड़ा आगे उसी घंटे खा लिया है जेब में खूब रंगे दोनों बस आ रहा है बड़े वाले ना दे नहीं रहे। भेजो ना कर रहे हैं, हाँ और क्या, तंदूरी दूरी बना के एकदम भीड़ जाता तो नहीं सर, मैं तुम भी खड़ा हो जाओ, ले 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 बेटा आ जाओ आगे, आओ यार आओ, लाइन में दूर दूरी बना के रहना है, सबको सफाई से रहना है, एक दूसरे से दूर रहना है सबको, पता है ना, सब लोग डिप्टिया खाना लेके अपने अपने घर में रहेंगे, कोई बाहर निकल के घूमेगा नहीं, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे। चलो आगे बढ़ो, इधर 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 क्यों लाइन में, लाइन में सब सब गिनाई भाई, दूरी बना के आ जा, ये तो चला घर भाग, दूरी बना के अपने घर में रहना, घर से निकलना नहीं है बाहर, आगे बढ़ो आगे बढ़िए, ठीक है घर में रहना है, किसी को सफाई से रहना है, दिन में हाथ कम से कम 10 बार हाथ धुलो, तुम लोग साबुन से साबुन है ना सबके घर में, ले लो तुम लोग लेना है, आ जाओ जिसको चाहिए, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हो लाइन में, सब लोग दूरी बना के रहना है, चलो छोड़ो, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहना छोटू और हाथ धुलना, तो एक दूसरे तक नहीं जाए, ले लो जाओ अपने घर में रहना, सफाई से रहना, हाथ धुल के दिन भर बंद रखो, बस जाओ, अरे आ जाओ तुम।
जो हम लोग लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, नगर देहात किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है ताकि वो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। साथ ही साथ हम लोग भ्रमण के दौरान जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें खाने के साथ साथ अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्या इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, हम लोग जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें और अपने एक सोशल डिस्टेंस बना के रहें, और यही इसका कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी का बचाव का तरीका है। हम लोग 29 तारीख से लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और नगर देहात दोनों क्षेत्रों में हम लोग ये सामग्री बांट रहे हैं, खाद्य सामग्री, और राशन भी वितरण हम लोग कर रहे हैं।